एयरपोर्ट पर पार्किंग के लिए गो फर्स्ट एयरलाइन से लिया गया 25 लाख का शुल्क। क्या है पूरा मामला? वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के एप्रन पर 10 महीने से खड़े विमान के पार्किंग शुल्क के रूप में गो फर्स्ट एयरलाइन से 25.20 लाख रुपए वसूले गए हैं। लैंडिंग के दौरान विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आने की वजह से इस हवाई अड्डे के एप्रन पर खड़ा किया गया था, जिस पर अब लाखों का पार्किंग शुल्क वसूला गया है। बता दें कि पिछले साल 27 अप्रैल को गो फर्स्ट एयरलाइंस का विमान दिल्ली से बाबतपुर आ रहा था। लैंडिंग के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने कुशलता दिखाते हुए विमान को सुरक्षित एप्रन पर उतारा। उस दौरान एयरलाइंस के काफी प्रयास के बावजूद भी दिक्कत दूर नहीं हो सकी। बता दें कि एयरपोर्ट पर विमान के वजन के हिसाब से पार्किंग शुल्क लिया जाता है। इस विमान का शुल्क 350 रुपए प्रति घंटे की दर से लिया गया। एयरलाइंस को हर महीने 2.52 लाख रुपए चुकाने पड़े। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि अभी विमान का मरम्मत नहीं हुआ है, प्लेन जब तक अपहरण पर रहेगा तब तक पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।